अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपने कंप्यूटर में उर्दू की वर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी मदद से हम एमएस वर्ड में, एक्सेल में उर्दू टाइप कर सकते हैं उसके लिए, और बग़ैर इन पेज के यूज़ किए हुए हम अपने फोल्डर्स के नाम उर्दू में लिख सकते हैं, और जहाँ दिल अपने पीसी में, कंप्यूटर में आपका दिल करे उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाके एक 10-11 MB का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेंगे, उर्दू इंस्टॉलर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सी फाइल कर लें या जिप फाइल कर लें, जो आपको बेस्ट लगे, ये डाउनलोड कर लें। मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है, तो चलो इंस्टॉल करते हैं। रीस्टार्ट नाउ। कंप्यूटर रीस्टार्ट होने के बाद टास्क बार में ये लैंग्वेज का आइकन शो हो जाएगा, इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और उर्दू पाकिस्तान शो हो रहा है। यहाँ से अगर आप उर्दू को सिलेक्ट कर लेंगे, ये उर्दू हो गया, तो आप कहीं भी कुछ टाइप करेंगे तो वो उर्दू में टाइप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने माई कंप्यूटर का नाम चेंज करके देखते हैं कि उर्दू में लिखता है कि इंग्लिश में। ये मैंने एक प्रेस किया, अलिफ आ गया, इसे हम कर देते हैं कंप्यूटर। ये देखिए, नाम हमारा उर्दू में लिखा गया। इसी तरह आप इधर आके वर्ड में भी लिख सकते हैं। साइज कर सकते हैं, ये इसी तरह आप वर्ड में, एक्सेल में और जहां कंप्यूटर में आपका दिल करे टाइपिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।